Hi Rajat sir, how are you? I'm good, Andrew. How are you? I am fine. बोलिए. तो आज मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ. थैंक यू सो मच. तो आजकल ना सबको ऐसे VFX में काफी सारे मिसकंसेप्शन YouTube पे फैले हुए हैं काफी जगह कि यहाँ से सीखो वहां से सीखो. लोगों के माइंड में डिग्री वगैरह. तो ना फ्रेशर्स के लिए ना मुझे एक इंटरव्यू लेना था, तो मैंने आपको अप्रोच किया था. थैंक यू आने के लिए. वेलकम वेलकम. तो मुझे कुछ सवाल थे, शायद आपने पहले कभी किसी इंटरव्यू में नहीं दिए हो, आपको भी अच्छे लगेंगे. तो श्योर श्योर. गो अहेड. मेरा पहला सवाल है, आप VFX फील्ड में कैसे आ गए? मतलब कुछ पहला थॉट. एक्चुअली जब मैं लाइक 12th पास कर रहा था तो उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे घर में ऐसा था कि मेरे को जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए नहीं, ठीक है. तो बिकॉज थोड़ा फाइनेंशियल इशू था तो उस टाइम पे था. अभी ऐसा था कि मुझे VFX के बारे में इतना पता तो नहीं था, मैंने सोचा कि VFX क्या है क्या नहीं, मुझे इतना ज़्यादा देखता नहीं था. तो इवेंचुअली थोड़ा 12th में मेरा रिजल्ट खराब भी हुआ था. आई वॉज थिंकिंग कि अभी आगे क्या करना है. तो एक मेरा दोस्त था, उसका नाम शिलादित्य है, तो उसने एक दिन आके सजेस्ट किया कि भाई तू काम कर, ऐसा कोर्स है तो तू कर सकता है. बट उस टाइम पे वो कोर्स का प्राइस भी बहुत ज़्यादा था. तो इवेंचुअली फादर ने मेरा एग्री कर लिया कि हम चलो ठीक है, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें हमें डालते हैं, शायद ग्रो कर गया. तो फिर मैं ज्वाइन तो किया मजाक मजाक में, देन धीरे 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 वो सीरियस हो गया. सिलेक्शन हाउस का वो भी कुछ ऐसे ही शुरू हुआ, लाइक मुझे कभी पता भी नहीं था इसके बाद जैसे जॉब्स में ऐसे होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले बताते नहीं कि इसके फ्यूचर क्या है, आप क्या करोगे. तो जो भी चीज़ हुआ है मेरे साथ इज जस्ट लाइक क्या कहते हैं, लाइक हो चुका है मेरे साथ. कभी प्लान करके नहीं हुआ कि हाँ अभी इसके जैसे आप लोग अभी प्लानिंग रहता है कि मैं इसके बाद ये जॉब ज्वाइन करूंगा, फ्यूचर में ये करूंगा. उस टाइम पे मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, मुझे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था. तो जो भी हुआ मेरी लाइफ में वो सब ऐसे ही हुआ है, और भगवान की कृपा से प्रत्येक चीज़ सब सही गया है. अगर थोड़ा सा गुजर जाता तो शायद मैं आगे आने होता. ओके अब हम हमारी फैमिली को कैसे कन्विंस करें VFX के लिए? मेरे घर वालों को लगता है मैं सब कार्टून बनाता हूँ, बैठ के टाइम पास करता हूँ. ये तो हर फैमिली का प्रॉब्लम है. इनफैक्ट शुरू शुरू में मेरा फैमिली वाले भी समझते नहीं थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो शुरू में उड़ाएंगे. अभी भी क्या है ना, मैंने लास्ट में सेगमेंट शुरू किया चैनल पे मन की बात नाम, उसमें ये नहीं बात कर रहा, हमारे फैमिली का जो अभी हमारे जो पेरेंट्स है, आपका मेरा, वो अभी भी लाइक 90s के पेरेंट्स है. तो 90s के जो पेरेंट्स होते हैं उनको टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा वो चैलेंज है, उनको उतना नहीं पता. अभी शायद वो लोग आईफोन यूज़ करते होंगे लेकिन उनको अभी भी उतना नहीं, जो हमारे बच्चे होंगे तो हमको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता होगा कंपेयर टू देन. तो हम लोग वो समझ सकते हैं, कभी उनको ये समझा नहीं सकते. आप उनको सिर्फ काम से सिर्फ प्रूफ कर सकते, जो मैंने भी किया था, क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था तो सेंटर लोग हंसते थे, फिर जब मेरे धीरे धीरे मूवीज में नाम आने लगे, लोग मुझे जानने लगे, फिर वही लोग मुझे अप्रिशिएट करते, सबसे उनका प्राउड भी बता था कि हमारे घर का बच्चा ये किया है वो किया. लेकिन टेक टाइम, कन्विंस करना है तो आपको पहले पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि आप करते क्या हो, उसका फ्यूचर क्या है. मोस्टली तो उसको करने के बाद आप एंड में कमाओगे कितना, अगर उनको ये पता चल जाए कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है तो वो सपोर्ट करेंगे. और रही बात फैमिली पे, फैमिली डिपेंड करता है, कुछ फैमिली इनबिल्ट सपोर्टिव होते हैं, कुछ कुछ पहले से बच्चे की लाइक ये सब बेकार है कंप्यूटर वगैरह, तो फिर से कुछ बिजनेस कर लो, प्रोडक्टिव कर लो, या 95 बीच का जॉब कर लो. बट मैं ये मानता हूँ जिस चीज़ में आपका पैशन है थोड़ा सा उसमें पहले आपको होता है ना दिक्कत, डिफिकल्टी फेस होता है, धीरे 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 तो फिर आपका वो क्लियर हो जाता है. तो फिर आप पेरेंट्स को भी समझा सकते हो कि देखिए मन चल रहा है मेरा, कितना सैलरी आ रहा है, मैं अच्छा खुश लाइफ में होता है, खुश होना, ठीक है. तो वो पेरेंट्स आप पेरेंट्स मांगेगा कि मेरा बच्चा खुश है, ठीक है. तो वो टाइम लगता है, धीरे धीरे टाइम के साथ आता है. बाकी आजकल के नए लोगों को VFX के समझा, कुछ कुछ तो मुझे पागल पागल लोग मिलते हैं. जैसे मैं उनको बोलता हूँ मैं मूवीज का इंजीनियर हूँ, हंसने बैठ जाते हैं उनको नहीं वो VFX बोलोगे का. तो डेफिनेटली लोग हंसेंगे. मूवीज के इंजीनियर ऐसा कुछ टर्म नहीं होता, मूवीज इंजीनियर बोलोगे तो डेफिनेटली लोग हंसेंगे. ये पहली बार तो मैंने ही टर्म पहली बार सुना. अगर आपको किसी को कुछ बोलना है डायरेक्टली बोलना, जैसे अगर मैं किसी को बोलता हूँ मैं समझाता हूँ कुछ ऐसे कि ऐसे अगर मैं बोल दूँ मैं VFX आर्टिस्ट हूँ, लोग सुन के या तो दो टाइप का लोग होते हैं, सुन के रिएक्ट करेंगे कि क्या समझाने, थोड़ा समझा के बताओ कि क्या करते हैं. दूसरा टाइप का लोग ऐसे होते हैं कुछ, वो लोग सुनेंगे फिर बोलेंगे ओके ठीक है चले जाएंगे. तो अगर आपको समझाना है लोगों को तो फिर आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं जो मूवीज में हॉलीवुड फिल्म है VFX आर्टिस्ट काम करता हूँ, मेरा काम होगा आप लोग हॉलीवुड का फिल्म देखते हो, उसमें जो भी स्पेशल इफेक्ट्स होगी. तो लोग स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में रिसेंटली जानने लगे हैं कि स्पेशल इफेक्ट चीज़ें हुए थे. तो अगर आप स्पेशल इफेक्ट्स देखते हैं वो हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू क्रिएट करते हैं.
तब जाके वो लोग समझते हैं। तो अब आते हैं फ्रेशर्स के लिए, तो फ्रेशर्स को हमेशा सैलरी कम क्यों मिलता है, जैसे 15,000 12,000? मैंने कुछ कुछ फ्रेशर्स ऐसे देखे जिन्होंने 9-10 हज़ार पे काम चालू किया आज के टाइम पे भी। आप मुझे सेंट्रल सी बात बताओ, अगर आप कंपनी खोलते हो और आप मतलब पहले अगर आपने सबसे कंपनी खोला है और आप किस टाइप के लोगों को ज्यादा हायर करोगे, पहले एक्सपीरियंस को या फ्रेशर को? पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आप नया कंपनी खोल रहे हो कोई भी कंपनी, आपको मेन टारगेट क्या रहेगा कि मैं अच्छा? हाँ बताओ, आप बताओ, खुद बताओ। तीन या चार सीनियर, 3 या 4 मिड आर्टिस्ट मिड रखोगे, उसके बाद कुछ तो फ्रेशर रखोगे, 10-12 तो जूनियर लेवल रखूंगा। हाँ, अब जूनियर लेवल ज्यादा रखोगे, आपको पहले से पता है कि जूनियर है, उसको 9 इयर्स एक्सपीरियंस है ना, 7 एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि वो आप बिजनेस माइंड से सोचना पड़ता है कि अगर आप खुद एक बिजनेस मैन होते हैं, आप किससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उससे जिसको नॉलेज है या फिर उसको जिसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि कल को आपने उसको 50-70 हज़ार सैलरी दे दिया तो होता क्या है, एज ए स्पेशल लेवल पे दिमाग फिर होता है, उसको नहीं लगेगा क्या मेरा सैलरी 50,000 है, मैं आऊंगा जाऊंगा काम करूंगा हो जाएगा, मेरी सैलरी का मंथ में हो जाएगा, तो इससे क्या होता है वो फ्रेशर कभी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं सीख पाता और इससे इंडस्ट्री लेवल डाउन होता है। तो कभी भी फ्रेशर्स को ज्यादा सैलरी 2 रीजन के लिए नहीं दिया जाता, एक होता है उसका मॉरल वैल्यू, उसको ही लगने लग जाता है भाई मैं इतना सही काम करके इतना कमा रहा हूँ तो मैं आज मेहनत क्यों करे ज्यादा, तो वो खुद से कभी सीखेगा भी उससे ज्यादा ना, खुद से कभी अपग्रेड करेगा, बेसिकली चीज ये कि कम सैलरी में रखने का तो वो और रीजन है कि कंपनी को कंपनी फ्रेशर से ज्यादा काम करा सकता है, ठीक है, बिकॉज वो फ्रेशर है और कंपनी को ऐसे इट्स नॉट लाइक अ लेबर, इट्स एक नॉर्मल चीज है। अगर आपको सैलरी कम है आप खुद ज्यादा काम करोगे पैसा कमाने का सोचोगे, अगर मैं ज्यादा काम करूंगा मेरा इंक्रीमेंट ज्यादा अच्छा होगा तो शायद मेरे आने वाले टाइम पे मेरा इंक्रीमेंट होगा तब होगा। अब फ्रेशर का सैलरी शुरू में कम होता है लेकिन जैसे ही वो एक साल बिता लेता है कंपनी में, सपोज आपने 15,000 में जॉब ज्वाइन किया, जैसे आपने एक साल बिता लिया वो भी सैलरी आपका बढ़ते हो जाता है 25-30। अब आप ये बोलोगे कि फिर फ्रेशर को एक साल मैंने किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, बिना स्ट्रगल का शाहरुख खान भी शाहरुख खान नहीं बना था, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा था, तो ये माइंडसेट लोगों में भी आ चुका है। मेरे पास भी क्वेश्चन आते हैं फॉर्म में ज्वाइन करने सैलरी कितनी होगा, बट अभी अगर मैं कहा कि अगर फ्रेशर है तो फॉर्म से ज्वाइन करोगे आपको 25-30 तक मिलेगा मैक्सिमम, तो वो लोग कितने कॉम्पर को भी इतना ही मिल रहा है जो कि था, बट आप ये नहीं सोचो कि आप फ्रेशर हो, आपको ना नॉलेज है, बिना नॉलेज का आपको इसलिए पैसा दिया जाएगा, हमारे इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस का पैसा है फिर नॉलेज का पैसा, अगर ऐसे कुछ नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा, लेकिन वो बाद में पूछा जाता है, पहले ये देखा जाता है कि उसमें एक्सपीरियंस कितना, जैसे मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरा नॉलेज बाद में देखा जाएगा, पहले देखा जाएगा मेरा एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है? अगर मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है तो इस हिसाब से उनका एक ग्राफ रहता है कि इतना एक्सपीरियंस है तो इसको इससे इतना तक हम दे सकते हो, अगर इसका 12 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर वो किस लेवल पे काम करेंगे, उसको फिर लीड के लिए अप्रोच किया जाता है, सुपरवाइजर के लिए अप्रोच किया जाता है, 10 साल के बाद जैसे 10 साल हो जाते हैं बच्चों में, ये मेरा भी होने वाला है, इसके बाद मैं लीड वगैरह के लिए मुझे अप्रोच किया जाता है ना कि आर्टिस्ट लेवल से, क्योंकि फिर सैलरी मैच नहीं होता, आर्टिस्ट का सैलरी का एक लिमिटेशन होता है, उसके ऊपर सैलरी नहीं जाता, फिर उसके ऊपर जाना पड़ता है तो फिर उसको लीड सुपरवाइजर ऐसे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। ओके सर, कभी VFX इंडस्ट्री में IT लेवल का पाइपलाइन आएगा, जैसे फिक्स्ड टाइम्स शिफ्ट्स, और जैसे हम शिफ्ट करते हैं जब कंपनी स्विच करते हैं तो हाइक भी अच्छा खासा मिले? मिलता है ना, जैसे हमारे इंडस्ट्री में अगर सैलरी बढ़ाना है तो स्विच करना पड़ता है, क्योंकि स्विच करके अगर आप एक ही कंपनी में रहोगे वो इंक्रीमेंट आपको 2 से 3 हज़ार मैक्सिमम 5 हज़ार देगा, लेकिन वही अगर आप स्विच करोगे तो 15-20 हज़ार का हाइक भी मिल सकता है, लेकिन वही आ जाता है आपके एक्सपीरियंस, अगर आप जूनियर हो और आप कंपनी स्विच कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कंपनी में रहकर जो इंक्रीमेंट होगा उससे ज़्यादा ही मिलेगा, डेफिनेटली अगर आप जूनियर में हो एक साल रहने पर काम करो आप फिर एक्सपीरियंस गेन करके मिड लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा आपका सैलरी कम से कम 10 से 12 हज़ार इंक्रीमेंट मिलेगा, बट उसी कंपनी में अगर आपको हाइक मिल गया तो 2-4 हज़ार के साथ हाइक नहीं मिलेगा, तो यही चीज़ें हैं, ये सब ऐसा है कि उस टाइम सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी आपको बुला रहा है कि आप कंपनी के पास खुद चल के जाए, और आप खुद चल के जा रहे हो तो सैलरी कम होने लगेगी, तो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन आप खुद अप्रोच करो तो वो लोग शायद ले भी लेते हैं कि एसेट सही है, अभी सपोज कंपनी के पास एसेट है आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आते हो तो कंपनी फेस टाइम ले लेते हैं कि चलो अगर बाई चांस स्विच छोड़ दे रहा है कोई नोटिस पीरियड में है उस जगह आपको डालना है,
खुद चल के आओगे सबको सैलरी हमेशा कमी आएगा, बट अगर कंपनी है, कंपनी का जरूरत है, तब अगर उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी तो डेफिनेटली मिलता है उसको सैलरी। ओके आपका बेस्ट और वर्स्ट एक्सपीरियंस बता सकते हो किसी प्रोजेक्ट पे? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम कैसे मैं डिटेल में पूछ रही क्या नाम नहीं नहीं, बस एक्सपीरियंस, जैसे आपको इस प्रोजेक्ट एक एक प्रोजेक्ट पे आपके साथ ये हादसा हुआ था, क्लाइंट के साथ बार बार एक ही शॉट पे एक छोटी सी चीज पे इश्यू आया था। देखो। क्लाइंट तो हम लोग डायरेक्टली डील नहीं करते, वो होता है कि ऑफिस लेवल पर होता है, और वो शॉट जाता है लीड के पास, लीड वो शॉट भेजते हैं हायर लेवल पर, और वो नेक्स्ट क्लाइंट के साथ जो डिस्कस होता है वो लीड से वो होता है, लेकिन जो करप्शन जाते हैं वो हम लोग डील करते हैं। तो हाँ ऐसे एक दिन नहीं, बहुत सारे शोज भी होते हैं, इनफैक्ट हर ऑलमोस्ट हर शो ही नहीं होता है कि बहुत रेयर शोज होते हैं। जैसे एक है कि जैसे ट्रेन स्टोर का जो काम होता है, ट्रेन स्टोर ऐसा है कि ट्रेन स्टोर बहुत शॉर्टेज काम करता है, ट्रेन स्टोर का पाइपलाइन बहुत शॉर्टेज है, लेकिन बाकी जैसा है कि इसमें क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होता है, थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसमें हमको क्या है कि लाइक क्वालिटी को बार 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 पहले पहले क्या होता है, पहले एक बेंच मार्क सेट होता है कि दो चार शॉट जाते हैं उसमें कैसा चेकिंग होता है वो देखते हैं, अगर इसमें बहुत ज़्यादा चेकिंग होने लगता है तो फिर हमको उस हिसाब से शॉट को डिलीवर करना पड़ता है कि नहीं भाई इसमें ज़्यादा क्वालिटी चाहिए, इसमें ज़्यादा क्वालिटी दो, मतलब कम कम अगर कम चाहिए तो पहले अगर देखते हैं कि एक दो शॉट वांट, हमको भी पता है उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन है बट हमने भेजा है शॉट से, और अगर शॉट वो अप्रूव हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि हाँ चलो इसमें क्वालिटी चेक ज़्यादा नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये लोग अप्रूव कर दे रहे हैं, तो हम लोग उस पर फिर ज़्यादा फोकस नहीं करते, उसको ऐसे ही भेज देते हैं। तो इट्स डिपेंड कि प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट चेंज होता है कि धीरे 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 क्लियर होता है कि हाँ इसमें कितना क्वालिटी चाहिए, तो इसीलिए टेस्ट शॉट से आपको टेस्ट शॉट से बात पता चल गया। बस कभी कभी ऐसा भी होता है ऑनगोइंग शो, एक शो चल रहा है, अचानक क्लाइंट को लगा कि क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे डिफिकल्टीज होते हैं। तो व्हाट प्रोजेक्ट तो डायरेक्टली व्हाट प्रोजेक्ट याद नहीं आ रहा, बट हाँ हर ऑलमोस्ट होता रहता है, ये चलता रहता है, नॉर्मल है हमारा। और सबसे मेरा सबसे बेस्ट ये है एक्सपीरियंस, वो नाम बता सकता हूँ जो मूवी रिलीज हो चुका है, जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का जो लास्ट पार्ट था जिसे जॉनी डेप थे, उस प्रोजेक्ट में मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, एक्सपेरिमेंटली सुनने का। देन ट्रांसफॉर्मर मैंने काम किया था, उसका एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस था कि उस प्रोजेक्ट में मैं ही एक अकेला आर्टिस्ट था और एक मेरा दोस्त है जो लोग सीवी सीवी उस टाइम रोटो आर्टिस्ट था, तो रोटो में होता सीवी रोटो भी नहीं होता है, तो मैं और मेरा दोस्त जूनियर लेवल पे छोटा आर्टिस्ट थे कि सीवी और रोटो कम्प्लीट करके दे रहे थे, और वो भी एग्जिस्टिंग आर्टिस्ट से ज़्यादा क्वालिटी दे रहे, तो वो ओके हम लोग को बहुत अप्रिसिएशन ज्यादा मिला था कि एक जूनियर सीरियस शॉट डिलीवर कर रहा है VFX पाइपलाइन में और वो भी ट्रांसफॉर्मर जैसे प्रोजेक्ट में, तो वो मेरे लिए था। और रिसेंट टाइम की बात करें, पहला भी बॉलीवुड रिव्यू मूवी था मेरा लियो, तो लियो के एक्सपीरियंस में पहली बार बॉलीवुड में काम किया था, तो दैट वॉज कम्प्लीटली अमेजिंग, बट हाँ थोड़ा प्रेशर था उस प्रोजेक्ट में, बॉलीवुड में थोड़ा प्रेशर था। तो ये तो रिसेंट में लियो था, और हाँ याद आया मुझे मार्वल का रिसेंट एक थॉर में मैंने काम किया था, थॉर का एक्सपीरियंस भी बहुत सही था, जो मोस्टली जब थॉर में मेरा नाम आया था क्योंकि ऑलमोस्ट क्या करते हैं जितनी भी कंपनी में काम किया है वो सब थर्ड पार्टी कंपनी होते थे, मतलब नाम नहीं आया था, बट थॉर में नाम आया था, तो बिग स्क्रीन पे मार्वल के प्रोजेक्ट में नाम बहुत कंप्लीट नाम है। इंडस्ट्री कभी अभी फ्लेम पे शिफ्ट होएगा न्यूक की जगह? मतलब जैसे अभी काफी सारे सॉफ्टवेयर थे फ्यूजन से न्यूक पे आए, अभी न्यूक से क्या इंडस्ट्री फ्लेम पे जाएगा जो आजकल स्टूडियोज काफी हायर कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, मोस्टली जो बड़े स्टूडियोज होते हैं वो न्यूक पाइपलाइन को ही फॉलो करेंगे फॉर श्योर, बट आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो वो एक दिन में ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, तो धीरे 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 मतलब इट विल टेक टाइम, ठीक है, बिकॉज किसी भी चीज को चेंज होने में टाइम लगता है, जैसे उसको हटने में भी टाइम लगता है वैसे उसको आने में भी टाइम लगता है, तो अगर फ्यूचर में पाइपलाइन में साउंड का जो भी है वो हट गया और उसकी वजह से कोई और चीजें आने लगा, तो देन यू हैव टू लर्न दैट सॉफ्टवेयर, बिकॉज अगर उसका डिमांड है तो आप भी अगर अभी मेरा न्यूज का क्लासेस चलता सब चाइनीज लोग का क्लासेस, इट्स ऑल लाइक इसका हमको उस हिसाब से डाइजेस्ट करना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे फिर न्यूज सीख के क्या फायदा, अब आपको भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, तो टाइम के साथ साथ ये हमें भी मतलब होता है तो मुझे भी सीखना पड़ेगा, आपको भी सीखना पड़ेगा, सभी को सीखना पड़ेगा, और वो एक साथ होगा बहुत मुश्किल है एक साथ आना, बिकॉज बहुत सारे 90% कंपनी सेम पाइपलाइन को फॉलो करते हैं, और एक चेंजेस मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है, और शायद
ना भी हो, आई विश कि वो ना हो। जैसे कि अभी फ्रेशर्स को हमने बात की, 15,000 सैलरी मिलता है, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ फ्रेशर्स को एटलीस्ट 20 से 25,000 मिल सके ताकि उनका गुजारा हो सके अपने होम टाउन से निकल के बड़ी सिटीज में? हाँ, एनटीसी देते हैं, एनटीसी देते हैं, आई थिंक एक एनटीसी है जो ऐसे सैलरीज देते हैं, और मोस्टली देते हैं। अभी स्पेशल लेवल पे हायरिंग डायरेक्टली नहीं होता, अभी अगर इंटर्नशिप कुछ हायरिंग होता है, पहले क्या होता था फ्रेशर को ऐसे हायर करते थे, अभी क्या थोड़ा टेक्निक को चेंज किया है उन लोगों ने, इंटर्नशिप सेशन रखते हैं जिसमें से लोगों को सिलेक्ट करके हायर करते थे। इंटर्नशिप में पैसा देते हैं लाइक 5-10,000 देते हैं, तो वही आपका सैलरी बनता है कभी कभी छोटे कंपनी में, वही आपका सैलरी हो जाता है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, और अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो आपका निकल जाता है। बाकी सिलेक्ट होने के बाद किसी कंपनी ऐसा होता है उसके ऊपर इंक्रीमेंट देते हैं, अगर आपको 10,000 इंटर्नशिप में आपको मिल रहा तो सिलेक्ट होने के बाद आपका वो सैलरी 20,000 हो जाता है। तो डिपेंड करता है उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम से कंपनी का ग्रोथ क्या है, इसलिए हमेशा सजेस्ट करता हूँ एकदम छोटे कंपनी को भी जाना नहीं चाहिए, एकदम बड़ी कंपनी में जाना नहीं चाहिए। बड़े कंपनी का जाने का भी रिस्क है, छोटे कंपनी में जाने का भी रिस्क है, हमेशा मिड रेंज कंपनी में जाना चाहिए जिसको ग्रोथ है, स्टार्टअप लाइक पिछले किया है एनी ब्रेन, तो किसी कंपनी एनी ब्रेन की बात नहीं कर रहे, बाकी किसी छोटे छोटे कंपनी में ग्रो हुए हैं ऐसे कंपनी में जाना चाहिए ताकि कंपनी आपसे लेके ग्रो करता है। तो मतलब इनको ना मिड रेंज कंपनीज में जाना चाहिए, ना तो एकदम बड़ी ना तो फिर एकदम छोटी छोटी कंपनीज। तो आप एक जगह बताइए जहाँ पे VFX अच्छे से एकदम सीखने मिले फ्रेशर्स को, फ्रेशर जब जाए टेस्ट देने तो उसको ये नहीं बोला जाए कि इसको आता नहीं है। काफी टाइम पे ऐसा हुआ है कि मैं सब कुछ करके भी गया हूँ ना, तो आजकल कंपनी की डिमांड ऐसी हुई इनको हर एक चीज की, मैंने एकदम अच्छे से करके दिया तो बोल रहे इसको फ्रेशर जैसा नॉलेज भी नहीं है। देखो पहले बात तो हमारे जितने भी उनको एक तो प्रॉपर गाइडेंस की बहुत कमी है, और मैंने रिसेंट वीडियो में भी कहा है यूट्यूब के थ्रू जिन लोगों को नॉलेज मिलता है वो लोग गलत नॉलेज ही मिलता है मुझसे, जो आप जैसे मुझसे बात करके आपको इतना तो आइडिया हो रहा है, तो मैं इंडस्ट्री में बैठ के बात करता हूँ, इंडस्ट्री के बाहर बैठ के ज्ञान नहीं दे रही, बिकॉज मुझे जो भी नॉलेज आपके यहाँ से मिल रही है शायद ही कहीं से आपको उससे मेरे को मिले देने से बारे में, तो काफ़ी पॉसिबल होता है जब आप इंडस्ट्री में रहें किसी को सीख कर, तो या तो आप किसी ऐसे मेंटर से पकड़ो जिनको प्रॉपर नॉलेज है उनसे सीख के देन जाओ, बिना सीख के आप जाओगे तो यही होगा। दूसरी चीज ये कि कोई भी कंपनी आपको करिए सब बोल रहा है कि इसको फ्रेशर जैसा नॉलेज ये होगा, वो उनका नेचर है, ठीक है। अगर आप बड़े कंपनी में जाओगे ना आपको बोलेगा ना, आपको टेस्ट लेगा, आपको बोलेगा ना आपको बुला लेंगे, ठीक है। अब सिलेक्शन होना ना होना उनके हाथ से है, लेकिन सजेस्ट ये करूँगा ना जाओ, सीख के जाना, सीख के जाना में फर्क है, हमेशा आपको एक नॉलेज होना चाहिए और वो बेसिक नॉलेज नहीं, एक कॉमन नॉलेज। अगर आप दो सवाल का जवाब ठीक देते हो और दो सवाल का जवाब गलत देते हो, क्योंकि ठीक जवाब दे देना है वो ठीक जवाब, ऐसा नहीं कि वो सब जगह में वो जवाब अवेलेबल है, वैसा वाला है। आपको अंदर का नॉलेज चाहिए, अंदर का, जो सिर्फ अंदर वाला ही दे सकता है। अगर आपको सपोज में इसमें पूछा जाए कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीज़ पूछा गया था, वो यूट्यूब में कहीं कोई कोई आपको नॉलेज देने चाहिए यूट्यूब में, जब तक वो खुद ना चाहे देने, एक जैसे मुझे पूछा गया था कि जो स्मार्ट वर्कर होता है उसका जो डेटा जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उस टाइम मैं बता नहीं पाया किसने कहा इतना नॉलेज नहीं था उसके बारे में, तो मैं बता रहा था कि सर मैं दिखा के बता सकता हूँ क्या है, मुझे चीज पता है, बट उसका टेक्निकल नाम क्या है मुझे नहीं पता, जबकि उसको कहते हैं एस्टीमेट। अब वो एस्टीमेट का काम क्या है वो सब उस टाइम पता नहीं, तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो अंदर रह के आप सीख सकते हैं, बाहर वाले से कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि उसको कुछ भी चीज अंदर का जानने के लिए आपको अंदर का नॉलेज चाहिए, तो उसमें आपको रहना पड़ेगा, उसमें आपको समय देना पड़ेगा, तब जैसे वो चीजें आप अचीव कर सकते हो, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज बिना मेहनत का आता है जब वो चीज बेकार है। आपकी बाउंड्रीज क्या है अपने बैच, अपने न्यूक जो हम न्यूक बैच लेते हैं उस पे और आपके यूट्यूब चैनल पे बेसिक प्लान अंडर के काम करते हुए? ऐसे कोई बाउंड्रीज नहीं है क्योंकि बेसिक प्लान बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, मोस्टली बाउंड्रीज मैंने खुद ही सेट करके रखा है कि कंपनी को कुछ ऐसा पॉलिसी होता है जो मैं शेयर नहीं कर सकता, जब क्लासेस पढ़ाता हूँ मैं कुछ ऐसा चीज़ें बता नहीं सकता जिससे मेरा जॉब कोई बेसिक करे, अदरवाइज कुछ बेसिक प्लान से उल्टा मुझे प्रमोट किया जाता है, ठीक है। बेसिक प्लान बहुत हेल्पफुल है, बेसिक प्लान चाहता है कि मैं ग्रो करूँ, तो पहली बार ऐसा कोई कंपनी मैंने देखा है जो मेरे लिए सोचता है ना कि मेरे खिलाफ,
बाकी ऑलमोस्ट हर कंपनी में सारे लाइक अगर ये जो कर रहा है उसको रोको चलता है ठीक है। तो बेसिकली लाइक पहला कंपनी मैंने देखा तो ग्रो करने में हेल्प करता है ना कि रोकता है पहले तो मैंने इसको रोकना पड़ेगा तो बट हाँ बाउंड्रीज खुद को सेट करना पड़ता है। ये तो भाई वही आ जाता है कि एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है कि मैं कितना बोलूँ कितना अभी जैसे आपको मैं बता रहा हूँ तो मेरे दिमाग में फिल्टर लगा हुआ है कि मैं कितना बोल सकता हूँ कितना नहीं बोल सकता ठीक है। तो दैट इज द थिंग फिलहाल तो कोई बाउंड्रीज नहीं है मेरे पास। हाँ प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते डेफिनेटली वो तो अनकंफर्मेबल चीज़ें हैं कंट्रोवर्सी भी हो सकती है उस कंट्रोवर्सी चीज़ चीज़ है हम कंट्रोवर्सी थोड़ा मेरा जॉब जा सकते हैं मेरा करियर बढ़वा सकते हैं एग्री अदरवाइज अदरवाइज हमको एक्चुअली NDA साइन करना पड़ता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। अभी तो चलो फोन अलाउड है पर जब मैं ज्वाइन किया था इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में अलाउड नहीं था मोबाइल में अंदर अलाउड नहीं था बहुत सिक्योरिटी नहीं दे सकता। अभी तो वो सब हट गया है अभी बहुत कोविड के बाद क्योंकि कोविड में हम लोग घर में बैठ कर जब काम करने लगे तो इंडस्ट्री को ये समझ में आ गई कि अभी लोग इतना भी लाइक फील नहीं रहा कि घर पे बैठ के करने के बाद अगर प्रोजेक्ट कोविड के टाइम पर सब हुआ था कि कोई भी प्रोजेक्ट लीक नहीं हुआ था क्योंकि ऐसा था कि सबको उसमें नॉलेज आ गया था कि ये सब अनप्रोफेशनल चीज़ें हैं तो जितना काम किया जाए उतना अच्छा। पहले होता था कि गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करके दिखा दिया कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ तरफ से वर्क कर रहा हूँ। हाँ पहले अभी कोविड के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ इंडस्ट्री बहुत चेंज हुआ है। हाँ अभी इंडस्ट्री डाउनफॉल में चल रहा है लेकिन उतना भी डाउनफॉल नहीं इंडस्ट्री का कि लोगों को डर लगे इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हुए बाकी तो फिलहाल सब सॉर्टेड है। ओके क्या आप अपना स्टूडियो कभी खोलोगे? नहीं बहुत बड़ा ठीक है। और अकेले के साथ साथ बहुत अब मेरा बिजनेस माइंड थोड़ा अलग है मैं अलग जगह से आता हूँ तो मैं टिपिकल बिजनेस मैन हूँ मैं बंगाली बंगाली उसके दो चीज़ें मोस्टली सूट करता है मैं उसी तरीके से जाऊँगा। हाँ अगर फ्यूचर में VFX वर्ल्ड कुछ करना है तो शायद मैं VFX वर्ल्ड को एक प्रॉपर जगह पर लेके जाऊँ शायद वो ऑनलाइन बेस्ड एजुकेशनल अब बना सकता हूँ मैं लेकिन फिर प्रोडक्शन हाउस नहीं खोलूँगा बिकॉज मैं प्रोडक्शन हाउस अभी तक तो नहीं खोलूंगा बट फ्यूचर का पता नहीं प्लान के इंसान कभी भी प्लान चेंज करते हैं बट अभी कुछ होगा तो मैं बोलूंगा नहीं मुझे अभी कुछ प्लान भी नहीं कभी सोचा भी नहीं पहली बार तुमने मुझे कहा तो पहले इसलिए मेरा मुझे ना निकला बट आई डोंट थिंक सो मैं कभी खोलूंगा। तो आपको FX में इंटरेस्ट कैसे आ रहा है? आजकल मैं भी आपके ट्यूटोरियल देखता हूँ FX के बारे में बनाते हैं पहले भी आपके ट्यूटोरियल कहीं ना कहीं देखे हुडनी के और आप बोलते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर मिड में हुडनी FX आर्टिस्ट की टीम में जाएंगे पेंट छोड़ के। इंटरेस्ट तो मुझे एक्चुअली जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया हूँ मेरा हर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है ठीक है अलग अलग देखोगे मेरा मल्टी सॉफ्टवेयर का नॉलेज लेकिन वही हो जाता है कि नॉलेज होना और नॉलेज को 100% गेन करने में फर्क होता है। मैं शुरू से एक ही चीज़ हमेशा सबको कहता हूँ खुद को भी कहता हूँ किसी भी चीज़ को सीखोगे उसको 100% सीखो आधा अधूरा सीख के कुछ फायदा नहीं। अब आप बोलोगे तो फिर आप वीडियोज कैसे बनाते हैं? अगर आप मेरा वीडियोज को ध्यान से देखोगे वो वीडियोज में उतना ही डेटा रहता है जितना डेटा जरूरी है मैं मन गरम चीज़ें नहीं बनना चाहूँगा ठीक है क्योंकि फिर वही हो जाएगा कि ये भी बाकी की तरह ही है जैसे मैं इन चीज़ें बना देता हूँ। सेम ही है कि हुडनी में इंटरेस्ट मेरा आज तक नहीं बहुत दिनों से था ठीक है एंड शायद मैंने ये भी सोचा था कि कल अगर मुझे प्रॉपर जगह पर कोई हुडनी का ट्रेनिंग ना भी मिले मैं सही किसी ना किसी को पकड़ के इंडस्ट्रीज का जिससे मैं हुडनी का ट्रेनिंग ले सकती हूँ कर सकता अब भी मौका खुद चल के मेरे पास आ गया तो फिर डेफिनेटली मैं उसके लिए एग्री करूँ। अब मैं अगर कभी किसी दिन किसी ने कहा कि तुझे स्कल्पचरिंग आर्टिस्ट बनाना है तो शायद मैं वो भी बन जाऊँ क्योंकि मेरे को सॉफ्टवेयर का नॉलेज का भूख है आई वॉन्ट टू लर्न मेरे सॉफ्टवेयर जैसे अनरियल मैंने खुद से सीखा ब्लेंडर मैंने खुद से सीखा तो ये सारे सॉफ्टवेयर मैंने खुद से सीखा कोई आके मुझे सिखाओ नहीं तो मुझे सॉफ्टवेयर सीखना पसंद है दैट काइंड ऑफ माई हॉबी कैन से ठीक है तो वो है मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाना पसंद करूँगा सिर्फ एक दो डिपार्टमेंट का छोड़ गया तो वेब डिजाइन हो गया या 2D एनिमेशन हो गया मैं टिपिकल VFX 3D के लिए बना हूँ जस्ट लाइक आई एम VFX जर्नलिस्ट मेरे को सारे चीज़ों का नॉलेज। ओके जब मैं न्यू न्यू इंडस्ट्री में आया था तब मेरा ना एक ऐसा एंथूकटलेट था कि मुझे ही फिल्म मेकिंग भी सीखना है मुझे ही एनिमेशन मॉडलिंग स्क्रिप्टिंग लाइटिंग वगैरह सब मुझे ही करना है उसके बाद कॉम्पोजिटिंग वीडियो एडिटिंग भी सब मुझे ही करना है। तो क्या इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता है कि आप शुरू से लेकर एंड तक अपना सब कुछ कभी चाहो तो कर सकते हो? नहीं पहली बात तो ये कभी पॉसिबल नहीं है ये सारे इंस्टीट्यूट वाले चलाते हैं कि बाइक पे कर आप सीख लो आपका लाइफ ये हो जाएगा ये सब बेकार है
बेसिकली इंडस्ट्री में उतना ही सॉफ्टवेयर में काम होता है जितना आपका डिजिट काम नहीं होगा। अगर आप एक रोटो आर्टिस्ट है, फिल आउट में काम करोगे या न्यूज में काम करोगे, और मोस्टली मौका नहीं, तीनों सॉफ्टवेयर में काम होता है। इनफैक्ट फोटोशॉप वगैरह भी होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप फोटोशॉप यूज ना करो, कुछ कंपनीज का पाइपलाइन में फोटोशॉप है। अगर फोटोशॉप है तो डेफिनेटली यू कैन यूज दैट, बट मोस्टली कंपनीज जो भी पाइपलाइन है न्यूज बेस्ड है। डी हो गया 2D का, 2D की बात करें तो माया नेशनल स्किल यूटिलाइजर। तो हर एक डिपार्टमेंट से लोग स्पेशलाइजेशन की आप इसकी, एक आप घुटने का डॉक्टर को आप अगर बोलो कि छाती का हड्डी टूट गया है, ठीक है, वो नहीं देखा जा रहा है। बट हर कोई MBBS पास होता है, सेम लाइक हम सभी बेसिक स्पेशलिस्ट हैं। हम सभी को थोड़ा थोड़ा हर चीज का नॉलेज है, आपको भी बेसिक का नॉलेज है, आपको थ्री डी का नॉलेज है, लेकिन आप थ्री डी स्पेशलिस्ट हैं, MBBS। लेकिन अगर आपको बेसिक के बारे में पूछा गया, आप बता सकते हैं इसके बारे में, बिकॉज वही आप MBBS जैसे हैं, हर कोई MBBS पास होता है। देन अपने अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपर तरीके से चूज करके मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना है। सेम यहाँ पे भी होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, हर एक चीज का स्पेशलिस्ट होता है। आप किसी भी फील्ड में देख लो, किसी भी फील्ड में, अगर आप कुकिंग का फील्ड में देख लो, एक होगा जो चाइनीज स्पेशलिस्ट है, कोई होगा जो कॉन्टिनेंटल स्पेशलिस्ट है, कोई होगा जो मुगल आइटम बनाता है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हर जगह पे लागू होता है। ये इंस्टीट्यूट वाले इसको गलत फैला कर रखे हैं कि आपको हर सॉफ्टवेयर में काम करना पड़ेगा। एक तो ये तभी आप करोगे कि जब आप खुद का कंपनी खोलोगे शुरू में, तब आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट से भी आप बोलो, इंस्टीट्यूट का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ना, जो इनके एडमिशन लेने वाले होते हैं करियर काउंसलर, इन लोगों ने खुद ने जीवन में कुछ नहीं करा होता, इनकी ऊपर से ट्रेनिंग होके आ जाती है और ये ना अपना एक गैंग बना लेते हैं। जैसे मैं एक इंस्टीट्यूट में था जब, तो उधर ने गैंग बना लिया था और मैं स्टूडियोज में जॉब कर चुका था, तो मुझे रियलिटी पता लग गई थी। तो मैंने एक को थोड़ा सा गाइड कर दिया था बिना इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में, बहुत हल्का सा। तो जो हमारी एडमिशन काउंसलर थी, उसने तो प्रोपोगंडा फैला दिया कि नीतीश से बात मत करो, नीतीश नेगेटिविटी फैला रहा है। जबकि मेरा जो था, मेरा एक फ्रेंड था, वो बोल रहा था कि मैं पहले मोशन ग्राफिक्स का 1 साल का कोर्स करूंगा, उसके बाद VFX का कोर्स करूंगा। तो मैंने उसको बोल दिया मोशन ग्राफिक्स मत कर, तो VFX में जा सीधे। तो यही बात, लेकिन वही है कि उसमें तुम ज्यादा देर ग्रो नहीं कर सकते। टाइटल डिजाइन मूवी में आजकल होते हैं कि बेकार होते हैं, अगर आप बड़े बड़े हाई बजट मूवी के देखो, बट वही मूवीज में काम करना और शॉर्ट फिल्म में काम करने फर्क होता है। किसी भी चीज पर क्वालिटी लाने से कम मूवीज में काम करना करते हैं, हमेशा मानता हूँ। अगर आपको क्वालिटी वर्क चाहिए, वर्क फॉर एनी फीचर फिल्म, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ ट्राई टू वर्क इन हॉलीवुड फिल्म्स, नॉट इन बॉलीवुड फिल्म, बिकॉज बॉलीवुड फिल्म में क्वालिटी बहुत लो होता है, जैसे जल्दी जल्दी शॉर्ट भेजना होता है। उस चक्कर में क्या होता है, आपको पहले से ऐसा माइंड सेट बन जाता है कि यही क्वालिटी है, जबकि क्वालिटी वो है नहीं, क्वालिटी कुछ और है। जब आप अच्छे हॉलीवुड फिल्म में आते हो, काम करते हो, तब आपको लगता है यार ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा वगैरह वगैरह। तो हमेशा अगर आप क्वालिटी वर्क चाहते हो, देन इन वर्क फॉर हॉलीवुड प्रोजेक्ट। जैसे मैं कभी बॉलीवुड में काम नहीं किया, कभी हुआ था जैसे मैं लियो में काम करना बोल रहा, तो हम क्वालिटी दे रहे थे एकदम 100%, बिकॉज वो आदत है हमारा। लेकिन बजट कम था, तो आर्टिस्ट सॉरी मतलब टाइम कम होने के चक्कर में इन लोगों को जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम हमारे ऐसे कि क्वालिटी के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज करें, हम तो मतलब अच्छा क्वालिटी दे रहे थे, तो ऐसे चीज़ें हो जाते हैं। लेकिन क्वालिटी इज मेन प्रायोरिटी हमारी इंडस्ट्री में, क्वालिटी के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको अगर आप VFX देखो तो प्रॉपर VFX होते हैं, आदि पुरुष या फिर कोई YouTube की बात नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे हैं कैसे की yeah, yeah. तो वो दे आर दैट इज नॉट अ क्वालिटी, दैट इज जस्ट लाइक बस एक चलने लायक है। क्या आपने गणपत देखा? गणपत मैंने कुछ सुना, अभी बहुत सारे शॉर्ट्स में ग्रीन स्क्रीन फुटेज दिख रहा है वहाँ पे। गणपत में एक शॉर्ट था जो कृति सैनन को इंजेक्शन लगा रहा था, उसमें पीछे मतलब एक कट है, एक सीन है, जैसे हमारा शॉट 002 है, 003 में ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, 004 में वो नहीं है। इतना बड़ा इशू है, जबकि मूवी का बजट 200 करोड़ है, VFX को 5 से 6 करोड़ तो जाना चाहिए था एक्चुअल में। बात वही हो जाता है कि तुम चीजें चाहते क्या हो, तुम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, अगर आदि पुरुष की बात करें, आदि पुरुष का वही था कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को और था, आदि पुरुष को चलाया गया था रिलीजन के नाम पर, रिलीजन के नाम पर भगवान है भगवान है। बट जबकि उनको भी पता था कि ये मूवी से पैसा छापने, कुछ तो सीन था जिसपे उनको पैसा रिकवरी करना था, इसलिए उन लोगों ने ये मूवी बनाया था रिकवर करने के लिए, लोन क्या कुछ तो था उनका, जो अभी भी लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और लोगों को लगा था OTT वर्जन में से फिक्स हो जाएगा, लेकिन OTT में वैसे का वैसा ही है। एक्चुअल में मैं एक इनर चीज बताता हूँ, मैं मुंबई में रहता था, टी सीरीज का ऑफिस के नियर में, तो एक बंदा मेरे पहचान का था उधर, तो उसने बताया कि काफी सारे जैसे प्री प्रोडक्शन में लोग होते हैं, उनकी सैलरी 20-25 हज़ार होती है और उनको दिखाया 1-1 लाख गया है,
तभी मूवी का बजट में भी किसी ने पैसे यहाँ से खाए अकाउंटेंट वगैरह ने। देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें होते रहते हैं, इतना डिटेल में बताना भी सही नहीं होता है, बिकॉज फिर लोगों में बहुत सारी चीजें भी हो सकता है, नेगेटिविटी फैल सकता है और मेरा जॉब पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, बट उतना कह सकते हो होता तो बहुत कुछ है, सिर्फ एग्री। दिखता नहीं है ये चीज़ें, बट क्या क्योंकि क्या ऐसे कभी एग्री VFX आर्टिस्ट मेरे को ये सब चीजें एक्चुअली बताना अलाउड भी नहीं है, तो सब क्योंकि हो जाता है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो उस डिपार्टमेंट की इज्जत करना चाहिए जब तक कि वो इज्जत के लायक है। हाँ जिस दिन लगा कि किसी चीज बहुत ही अनवांटेड चल रहा है, देन डेफिनेटली उसको मैं रिएक्ट करूंगा और उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मुझे दिख रहा है किसी चीज में गलत चल रहा है, जो किसके ऊपर मैंने रिसेंट अपने वीडियो में बात की है, मेरे को बहुत गलत लगा, तो मैं उस पर डेफिनेटली बात किया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। तो हमेशा चीजें तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चीज को देख रहे हो, कौन सा चीज को देख रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स। क्या आप कभी मुंबई आएंगे जॉब के लिए? जैसे मैंने आपका लिंक्डइन देखा है, आप कभी बेंगलोर और सिर्फ पुणे में ही आपने जॉब्स किया अभी तक। नहीं, कभी नहीं, आई हेट मुंबई, मुझे गरीबी फील होता है, लगता है मैं गरीब हूँ। एक्चुअल में मुझे गर्व ही नहीं, मुझे घिन आता है कभी कभी मुंबई से। कुछ कुछ चीजें मुंबई की अच्छी हैं, लेकिन जब बात करो पुणे दिन की। तो मता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और एक डिप्रेशन, क्योंकि मैं था 19 दिन मुंबई में, था मैं मुंबई से भाग के आया था, तो अभी भी वो मुझे, और मुझे गर्मी नहीं पसंद है। आई वॉन्ट, अगर मुझे कभी किसी ठंड की जगह पर रहना पसंद हो तो इसलिए मैं सूट करता हूँ। अगर किसी दिन कश्मीर में कोई VFX कंपनी खुल जाए तो मैं कश्मीर में जाना पसंद करूंगा, ना कि मुंबई। ओ, मेरे को लेकिन पुणे। लेकिन लेकिन डेफिनेटली अगर मुझे एक ह्यूज सैलरी का ऑफर है, ह्यूज पोजिशन का ऑफर है, तो आप मुंबई में भी आराम से रह सकते हैं, उसका लाइफ स्टाइल को मेंटेन अगर आप कर पाए तो मुंबई भी आपको अच्छा ही लगेगा। मेन चीज ये है तो कुछ पैसा, एंड ऑफ द डे अगर हाथ में अगर पैसा आपका अच्छा आ रहा है तो मुंबई के आप किसी भी रिच सिटी में अच्छे से स्टे कर सकते हो, अपना खुद का अपार्टमेंट है, अगर एग्री। आपका घर अच्छा है, अगर आपकी जगह आपको नींद आ रहा है आपका, तो वो जगह आपके लिए सुटेबल है। लेकिन वही जगह पर अगर आपको रात को ढंग से नींद नहीं आ रहा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो भले वो पुणे हो या मुंबई हो या कहीं पर भी हो, आपको वो जगह अच्छा नहीं दिखता, ऐसे नहीं लग जाएगा। एग्री। क्या पुणे कभी VFX का हब बन सकता है? जैसे मुंबई, इसमें 1,000 स्टूडियो होंगे ऑलमोस्ट, मुझे से लगता है 500 तो होंगे, छोटे मोटे बड़े मिला के। अच्छा, डेफिनेटली बन सकते हैं। जब मैं पुणे आया था तो 2 या 3 कंपनी का, अभी देखो कितना सारी कंपनी खुल चुका है, क्योंकि अब लोगों को भी पता चल चुका है कि लोग पुणे में ज्यादा प्रेफर करते हैं और मुंबई में कम प्रेफर करते हैं। तो एग्री। हाँ, इट विल टेक टाइम। जैसे हैदराबाद बैंगलोर में भी धीरे धीरे कंपनी खुल रहा है, कोलकाता में खुल रहा है, कोलकाता में कभी मैंने सोचा नहीं था, मेरे होम टाउन में अपना क्या नाम है, ई बी खाने जैसा कंपनी खुलेगा, छोटे छोटे जो टू लाइट इफेक्ट, मेरे दोस्त का कंपनी वो भी खुला है। तो है कि लोगों में अवेयरनेस फैल रहा है कि हाँ अभी इंडिया में VFX हब बनना चाहिए, ना कि स्पेसिफिक जगह को। अगर हर एक कंपनी का ब्रांच हर एक सिटी में हो तो फायदा कंपनी का है, आर्टिस्ट का है। जैसे अगर मैं कलकत्ता से पुणे में आकर रह रहा हूँ, मेरा यहाँ पे ट्रैवल कॉस्ट, मेरा यहाँ पे रहने का खर्चा उतर जाता है, तो अगर मैं कोलकाता में रह के काम करूँ, मेरा दो चीज़ होगा, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, मेरा काम करने का जज्बा बढ़ जाएगा, घर पे टाइम पे जाऊँगा, घर पे टाइम पे आऊंगा, एंड अगर मैं घर पे रहूंगा तो वही होता है कि ज्यादा लीव में नहीं लूंगा, अभी क्या है घर जाने के लिए तो लीव ले, जैसे मेरा ट्रैवल कॉस्ट जाता है, मेरा छोटा सा टाइम के लिए जाता है, घर पे घर से वापस आना पड़ता है। तो क्या आर्टिस्ट को भी लाइक घर जाता हूँ, जब घर से वापस जाना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से सपोज 1 हफ्ते का टाइम होता है, राइट। तो अगर मैं कोलकाता में रह के जॉब करता हूँ तो मुझे ना छुट्टी लेने की जरूरत है, अब ले लूंगा भी तो 1-2 हफ्ते का छुट्टी नहीं लूंगा, और मैं अल्टीमेटली घर पे ही रहूंगा, तो आर्टिस्ट सेटिस्फेक्शन भी होता है, काम का क्वालिटी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ हमेशा कि जहाँ पे आप हो वहाँ पे अगर आपका कंपनी होता है, अच्छा कंपनी, नॉर्मल कंपनी की बात करें, अच्छा कंपनी, डेफिनेटली वो आपके लिए भी हेल्पफुल है, कंपनी के लिए हेल्पफुल। कंपनी सिर्फ लॉस से नहीं जाता कि यहाँ आधा लोग छुट्टी पे चले गए, अभी काम कैसे होगा, ये सब नहीं होता। तो क्या आप कभी रेड चिलीज या रीडिफाइन या ILM जैसी कंपनीज में जॉब करोगे, जब कंपनीज आपको अच्छा पे कर रही है? जैसे मुंबई में ही है तीनों की तीनों डेफिनेटली कंपनीज। डेफिनेटली डेफिनेटली, बट हाँ आइलैंड की बात करें, आइलैंड इंडिया में काम करने आइलैंड ऑफर आ रहा है, तो आइलैंड बाहर का अप्लाई करना पसंद करूंगा, और अगर इंडिया में पसंद करूंगा तो मैं रेड चिलीज नहीं जाऊंगा, बिकॉज रेड चिलीज देखने में अच्छा लगता है, रेड चिलीज का अंदर का वर्क वर्क एनवायरमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है, वहाँ एक्चुअली एक्चुअली मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो मेरा ऐसा है कि मेरी लाइफ में प्रेशर ऑफिस में अभी तक कभी नहीं मिला, नहीं मुझे कि एक्सटेंड करिए जा रहा हूँ 3 दिन 4 दिन तक, और मेरा जो लाइफ स्टाइल है उसका मुझे पसंद नहीं है, मेरा ऐसा कि टाइम पे और टाइम पे जाओ, इससे मुझे ज़्यादा रिश्ता नहीं है, तो वो वर्क कल्चर मुझसे सूट नहीं हो रहा है। तो भले ही पैसा ज़्यादा दे, अगर पैसा ज़्यादा दे भी रहा है तो आर्टिस्ट लेवल पे तो ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि आर्टिस्ट लेवल पे प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर आप किसी पोजिशन पे ज्वाइन करते हो
तो फिर मैं शायद सोचूंगा अगर मुझे सुपरवाइजर या डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई मतलब अप्रोच किया जाता है तो क्या होता है मेरा कंट्रोल रहता है, टीम के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल रहते हैं, आर्टिस्ट लेवल पे तू रुक के करके जा एग्री वो तो फिर मैंने सुन अभी इस टाइम पे आके 30 होने वाला है मेरा, इस टाइम पे अगर मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं तो वो टॉलरेटेबल नहीं मेरे लिए, तो मेरे को होगा नहीं। तो आपका ऐसे फ्यूचर गोल क्या है कि आपको एक ऐसे मतलब जैसे मेरा जो एक फ्यूचर गोल है कि मुझे क्रिश 4 में या ब्रह्मास्त्र 2 में मुझे ऐसे मूवीज के गोल्स बना के रखे कि मेरे को काश मेरे को मिल सके, मैं ट्राई करूंगा उस कंपनी में जाने की। तो आपको कोई फ्यूचर गोल है आपको इस कंपनी या इस सिटी या एकदम ऐसा कोई ऐसा प्रोजेक्ट या एक ऐसा अचीवमेंट आपको अचीव करने का जो आप शेयर कर सकते हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रह्मास्त्र का इस पार्ट में काम करने का मन तो है बट ऐसा नहीं कि एकदम गोल है, और मेरा था कि मुकाबले का मूवीज में काम करूँगा वो हो चुका है मेरे साथ। तो फ्यूचर में अभी ऐसा कुछ ऐसा गोल तो नहीं है, बट अगर कंपनी की बात करें आई वॉन्ट टू वर्क इन आयरलैंड, आयरलैंड मेरा एक सपना है आयरलैंड बाहर, वो मेरा कैलिफोर्निया आज से नहीं, आज से नहीं मेरा शुरू से ही ड्रीम है, जब से समझने लगा इंडस्ट्री के बारे में तब से मेरा ये ड्रीम है कि आयरलैंड में जाके काम करना है। मुझे बेटा जाना है कनाडा में। बेटा भी कह सकते हो, बेटा भी है लिस्ट में, ऐसा नहीं कि बेटा नहीं है, बट मोस्टली मेरा आयरलैंड, आयरलैंड मुझे ऐसे के लिए खींचता है आयरलैंड। पहला अगर मुझे ऑप्शन दोगे तो आयरलैंड, देन बेटा, देन एक दो और कंपनीज है, बट हाँ आयरलैंड बेटा एक बिगेस्ट कंपनी मेरे हिसाब से, वो एक ड्रीम कम की कंपनी, मुझे मिनिमम सैलरी भी देगा ना उनका, तो उनका ऐसा है कि इंडिया जैसा नहीं है कि आपको 10,000 बार्गेन होगा, उनका एक पे कट होता है कि भाई आपको इतना ही दिया जाएगा, वो ना ज्यादा देंगे ना कम देंगे, और उसमें आपका आराम से चलिए, तो वो अगर मुझे वो भी देते हो ना तो मैं खुशी खुशी जाऊंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस मिलेगा। एक होता है कि भाई अगर बाहर काम करते हैं, अभी इंडिया में अभी भी वो चीजें हैं कि बाहर काम करते हैं तो होता है वो चीजें। बाहर सैलरी क्या होती है वैसे? एक जैसे आर्टिस्ट जाता है 5 साल काम करे तो उसकी इंडियन करेंसी में सैलरी कितनी होती है? आप कुछ आपको कुछ अंदाजा है? मोस्टली 5 लाख तक होता है ओके मंथली, मंथली पैकेज पकड़ लेते हैं इंडियन मनी के हिसाब से कह रहा हूँ, 5 लाख तक का होता है, तब ये मिनिमम है 5 लाख, क्योंकि उनका ऐसा है कि अगर आप ट्रेन के लिए जा रहे हो तो 5 लाख फॉर्म के लिए जाते हो तो थोड़ा ज्यादा है, तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप कितने सैलरी के हिसाब से, क्या पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप डिफेंस के लिए अप्लाई करो तो 10 लाख का सैलरी हो सकता है ठीक है। तो जैसा ट्रेडिशन वैसा, मतलब रेटों का तो बाहर है नहीं, पेंट का है, फॉर्म का है, रोटो का है नहीं बाहर। रोटो क्या इंडिया में रोटो और पेंट का काम आना बंद हो सकता है AI के कारण? नहीं, यही नहीं, कुछ नहीं दे सकता, पेंट इज लाइक क्रिएटिव सेक्टर, जब तक हम इंसान जिंदा है हमारा फिक्स हमारा काम, इस हद तक आपको मदद कर सकते हैं, सपोज आपका 3 दिन का काम आपको 1.5 दिन में करके देगा, लेकिन इसके ऊपर आपको काम करके इसको फिक्स करना पड़ेगा, कभी भी मैं AI को रिलेट नहीं कर सकती, भरोसा नहीं कर सकता भाई, उसको नहीं पता हम चाहते क्या, कितना भी एडवांस लेवल के AI क्यों ना आ गया वो आपको वो क्वालिटी कभी दे नहीं सकता, वही मतलब जो हम क्वालिटी चाहते हैं वो दे नहीं सकता, ठीक है। फिर से बात वहीं पे अटक जाता है कि AI एक हद तक आपको मदद कर सकता है, आपको रिप्लेस कर सकता है, और एक चीज है AI का तो जॉब बढ़ेगा ना कि घटेगा, ठीक है, बिकॉज AI को चलाने के लिए भी कमांड चाहिए होता है, कमांड देने के लिए भी इंसान ही चाहिए, AI को कमांड नहीं दे सकता, तो वही बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो जब डिपार्टमेंट शायद बंद हो जाएंगे कुछ, उसकी जगह नया डिपार्टमेंट खोलेंगे। जैसे अगर कोई आर्टिस्ट कनाडा जाता है उसकी 5 लाख सैलरी हो जाती है तो जब वो इंडिया वापस आने की ट्राई करता है तो क्या उसको उस लेवल पे सैलरी रिटर्न देते हैं? सैलरी तो इंडिया में आके वैसे काम ही नहीं करा ना, वो लोग बड़े पोजीशन पे आए जैसे हायर लेवल मैनेजमेंट या फिर, तब वो आर्टिस्ट नहीं कहलाएंगे, तो उनके हिसाब से वो लोग फिर बहुत HOD के पोजीशन पे आते हैं या ओवरऑल शो VFX प्रोड्यूसर के प्रोड्यूसर बन जाते हैं। अगर आप बाहर जाओगे आप कभी आर्टिस्ट बन के वापस नहीं आओगे, और बाहर भी आप आर्टिस्ट ही नहीं रहेंगे। ओके तो एक डिफरेंस जो हर कोई सोचता है, जैसे हम आजकल इंडिया, मैं एक बात बोलूंगा, मैं इंडियन मूवीज को भी प्रमोट करता हूँ जहाँ देखता हूँ। VFX की बात करते हैं, सब बॉलीवुड मार्वल DC बोलते हैं, मैं बॉलीवुड को भी काफी ज्यादा प्रमोट करता हूँ मूवीज के लिए, क्योंकि कुछ कुछ सीन कुछ कुछ मूवीज होती है जिनमें VFX भी अच्छा होता है, स्टोरी भी होती है, लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस से पिट जाती है। तो एक मेन डिफरेंस क्या है बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड में VFX? इंडियन ऑडियंस देखा जाए तो मतलब इंडियन ऑडियंस को नहीं पता उनको चाहिए थे, ठीक है,
अभी ऑडियंस भी अगर नहीं पता है कि चाहिए क्या, तो फिर तुम कुछ भी कर लो, तुम उससे ज्यादा कुछ निकाल के ला नहीं सकते। ऑडियंस से नहीं पता, ऑडियंस से चाहिए, ऑडियंस को क्रिंज चीजें चाहिए कभी। जैसे अगर आप डंकी और सलार की बात कर लो, अभी चल रहा था जवान जैसा मूवी, तो लोगों को जवान जैसा लगा था कि डंकी बनेगा, तो लोग ऐसे मास मसाला मूवी पसंद करते हैं, वो लोग देखते हैं क्या घटिया मूवी बनी है, जबकि मूवी सच में अच्छा है डंकी। ठीक है, तो हमारा हमारा इंडियन ऑडियंस ना, इंडियन ऑडियंस अजीब ही है। मैं यूट्यूब वीडियोस में देखता हूँ, ऑडियंस तो चाहिए कुछ, जब वो आपके सामने ला के रख भी दोगे ना, तो भी वो नहीं कंज्यूम करेंगे, उनको फिर कुछ और चाहिए, उनको फिर कुछ और। मोस्टली इंसान को इंडियन ऑडियंस को नेगेटिव चीज़ ज़्यादा पसंद है, जैसे अगर आप कुछ अतरंगी चीज़ें बनाते हैं यूट्यूब में, तो वो ज़्यादा चलेगा, जबकि आप कोई अच्छा कंटेंट बनाओगे वो नहीं चलेगा। तो बात वही वही हो जाता है कि आप बना क्या रहे हो, आप कंटेंट क्या डिलीवर करते हो, भले वो कितना अच्छा क्यों ना हो, आपका ऑडियंस देख कैसा, कितना भी एडिकेटेड इंसान के अंदर दो तरीके के लोग रहते हैं, एक छुपा होता है वो दिखता है, जो छुपा के छुपा रहता है ना वो उस टाइम पे निकल के आता है जब आप कंटेंट देते हो, अरे क्या फालतू चीजें बना कर रहे जब हम आपको बताते हैं। जब ब्रह्मास्त्र 2 आया था, जब ब्रह्मास्त्र आया था जब मैं पुणे में था, एंड एक्चुअली मैं एक्साइटेड था ब्रह्मास्त्र देख के, मेरा ना और काफी सारी चीजें उसकी रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। तब मैं मेरे रूममेट्स को बताता था, मैं पीजी में रहता था, वीएफएक्स सीखने आया था, बोलते चलो ब्रह्मास्त्र देखने चलेंगे, बोला नहीं यार मजा नहीं आएगा ब्रह्मास्त्र में, जबकि एक्चुअल में ब्रह्मास्त्र में कुछ चीजें छोड़ के काफी अच्छी चीजें थी। अभी एक मूवी थी ब्रह्मास्त्र मूवी, बहुत ही अच्छा था मूवी, बट वो चला नहीं क्योंकि लोगों को उसमें कुछ मिर्च मसाला नहीं दिखा शायद। अटैक जो मूवी थी, स्टोरी ठीक है थोड़ी कम थी, फीकी थी, बट जो उसका डेप्थ था ना वो एग्री काफी अच्छा था। वीएफएक्स भी उन्होंने जो रखा, रेड चिलीज ने उसका वीएफएक्स किया है, काफी अच्छा वीएफएक्स था उसका भी। I really like this movie. In fact, I'm waiting for the second part. क्या करने का बनाएगा? But really, really nice movie. It was a really nice movie. एक था उसमें फीस था मूवी में, हाँ अच्छा मूवी है, मजा आ रहा था देखने। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंडिया में इंडियन ओरिजिन टाइप था वो, एक्चुअली में काफी सारी चीजें जो थी वो ओरिजिनल थी, उसमें कहीं से कॉपी नहीं किया गया था, बट फिर भी ऑडियंस ने उसको सपोर्ट ही नहीं किया। काफी अच्छी चीज, जैसे उसका जो होलोग्राम था वो काफी रियल था, और मे बी उस पर तो किसी ने, मतलब जैसे मार्वल का आपने आयरन मैन का देखा होगा, उसके होलोग्राम में से डिटेल निकाल निकाल के दे रहे हैं। अटैक मूवी का कोई यूट्यूबर दे नहीं रहा है, इंडियंस इंडियंस को ही प्रमोट नहीं करना है इंडियन मूवीज को। तो आपका मतलब एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इंटरव्यू हम भी खत्म करते हैं, टाइम लिमिट से ज्यादा हो गया। आपके अर्ली डेज कैसे थे इस फील्ड में, जैसे कोई ऑफिस पॉलिटिक्स या ऐसे? वो तो देखो होते ही रहते हैं, आपको आपका काम पे फोकस करना है, वो अभी भी होते हैं, काम टाइम ऑफिस आओ अपना काम खत्म करो, और बस दोस्ती बना के रखना चाहिए हर किसी का। दुश्मन अगर आप वो छोटा है, अगर आप किसी को दुश्मनी मोड़ते पता चला कल वो आपका लीड बन गया, तो फिर तो आपका लाइफ गया, क्योंकि वो तो कभी आपको अडॉप्ट करेगा नहीं, ठीक है? आपने पास में उसके साथ काम करते हो, तो अगर आप इंडस्ट्री में हो तो दोस्त बना के रखो हर किसी को, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो वैसे एक लास्ट क्वेश्चन और आया है, काफी अच्छा क्वेश्चन आया है, क्या आपने कभी टीवी एड्स का वीएफएक्स किया है प्रॉपर्ली? हाँ हाँ किया है, जब मैं था टीवी एड का नहीं, एप्पल का किया था। क्या का किया था आपने सर? वो नहीं बता सकता, बट एप्पल का किया था। एप्पल एक्चुअली टीवी का ही ना, मतलब टीवी नहीं, वो कमर्शियल है ना। हाँ हाँ का था, वो कमर्शियल है। तो आपको कमर्शियल एड्स और मूवीज का डिफरेंस कैसा लगता है? कमर्शियल में भी जिस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था वो अच्छा क्वालिटी मानता है, डिटेल क्वालिटी में। ओके ठीक है, तो एक बार आप अपना वीएफएक्स का बैच प्रमोट कर दीजिएगा, मेरा मेन मोटिव यही था कि मेन जो अच्छा चीज है मैं उसी को प्रमोट करूं हमेशा, जैसे कुछ इंडियन मूवीज और बेस्ट चीजें। बैच का ऐसा है कि मैं प्रोडक्शन नॉलेज देता हूं, मैं चाहता हूं कि लोग अगर किसी भी नॉलेज कहीं से भी गेन कर रहे हैं तो वो अच्छा गेन करें, ना कि रैंडम चीजें। तो मेरा बैच में मैं एकदम आपको एंड टू स्टार्टिंग टू एंड, जैसा भी इंटरव्यू आप लोग जो सुन रहे हैं मेरा ये बातें, आपको पता चल रहा है कि ये बंदे को ऑफिशियल नॉलेज है, ना कि वो रटा रटा जो मिला है चिपका दे रहा है। तो अगर आपको ऐसा डिटेल नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली मेरे पास आ सकते हैं क्लास, आज आपसे नहीं करा रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 3 साल होने वाला है, और मेरा फुल सपोर्ट रहता है प्रोडक्शन हाउसेज से,
मैं इंडिया का पहला हूँ जो ट्रेनिंग देता हूँ. मेरा देखा देखिए बहुत से लोगों ने शुरू किया था, बट फर्स्ट यूट्यूबर कम प्रोडक्शन हाउस में काम करते हुए ट्रेनिंग देने वाला पहला हूँ. तो अगर आपको जेन्युइन नॉलेज चाहिए तो आप मेरे पास आइए, बाकी आप खुद क्लास करके देखिए कि मैं हूँ कैसा, मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसा है, फिर अगर आपको ठीक लगे यू कैन कंटिन्यू. ओके ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग रजत सर, सी यू सून. वेलकम, वेरी मच. आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, आगे भी फिर से एक बार करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय यू गाइस, बाय.